असत्य पर सत्य की विजय के पर्व दशहरा पर ग्वालियर जिले के भीतरवार में विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई। 1500 मीटर चुनरी यात्रा में हजारों श्रद्धालु अपने हाथों चुनरी थाम कर जय माता दी का जय घोष करते नजर आए। चुनरी यात्रा कई गांवों से होते हुए प्राचीन माता मां लखेश्वरी मंदिर पहुंची, जहां भक्तों द्वारा उन्हें चुनरी अर्पित की गई। ग्वालियर जिले के इतिहास में बुधवार को पहली बार भीतरवार में विभिन्न समाजों के सहयोग से दशहरे के मौके पर धूमेश्वर महादेव मंदिर से मां लखेश्वरी माता मंदिर तक करीब 45 से 50 किलोमीटर तक की 1500 मीटर की विशाल पैदल चुनरी यात्रा निकाली गई। चुनरी यात्रा प्राचीन धूमेश्वर धाम मंदिर से होते हुए ग्राम झाऊ खड़ीचा बासोड़ी भीतरवार नगर से सीला आदमपुर देवरी चिटोली से होते हुए क्षेत्र के प्राचीन मंदिर का मां लखेश्वरी माता के मंदिर पहुंची, जहां माता के मंदिर पर विधि विधान पूर्वक संतों की उपस्थिति में आरती उतारकर मां को चुनरी अर्पित की गई और माता से क्षेत्र में सुख शांति की खुशहाली की कामना की गई। जी कुल भक्तों के आनंद के लिए, भक्तों को उत्साह भक्ति वर्धन धूमेश्वर धाम से। हम लोगों का काम तो भाव से होता है, जब भाव में जैसा आ गया तो वैसे ही जो है मैया की ऐसी कृपा प्रेरणा हुई, धूमेश्वर धाम से चुनरी यात्रा माँ लखेश्वरी मैया को अर्पित हो गई। सभी आसपास के क्षेत्र, हमारे आसपास के भीतरवार ग्रामवासी, डबरा ग्रामवासी, करेरा ग्रामवासी, आसपास क्षेत्र, समस्त क्षेत्रवासी हैं भक्तों से सराबोर होते हुए, भक्ति भाव से माँ के भजन गाते हुए, भगवान के भजन गाते हुए सभी लोग चुनरी यात्रा मैया तक जो है शाम तक वहाँ मैया को अर्पित करेंगे। भक्ति भाव से है, सभी लोग जो जुड़े हुए हैं भक्ति भाव से चले जा रहे हैं, ऐसा और कोई नहीं है। कितने मीटर की चुनरी होगी चुनरी यात्रा? अभी करीबन सर 1500 मीटर हमारा, ये तो सीधा धूमेश्वर से और तुम्हारा पलाछा होते हुए और तुम्हारा भीतरवार देवरी कांचे होते हुए। विशाल चुनरी यात्रा में सभी धर्म समुदाय के लोग शामिल हुए, साथ ही नगर में कई मंचों से श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। ग्वालियर से इमरान खान की रिपोर्ट।